अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में मस्त लाइफ गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम आज का बहुत प्यारा है, हवा चलती है तो ज़रा अच्छा लगता है, लेकिन जब हवा रुक जाती है तो गर्मी लगती है। सो एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं बच्चों को पिक करने के लिए आई हूँ, उनकी क्लासेस के बाहर हूँ। अभी उनकी क्लासेस के डोर क्लोज़ हैं, जैसे उनके डोर ओपन होते हैं तो उनको हम पिक करते हैं और घर जाते हैं, और घर जाके कुकिंग करेंगे। वही हमारी रूटीन जो हमेशा होती है। और आपको पता है कि हम लेडीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ का हिस्सा है वो किचन में ही गुजरता है। सो एनीवेज गाइस, हम अपना आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाईजान कुरान की क्लास ले रहे हैं बेटा जी। आपकी अभी इसके बाद भाईजान के बाद आपकी क्लास है जी। तो अभी आप बाहर गई थी प्ले करने के लिए जी। इतनी जल्दी आज आप चली गई? आपको पता आप 7 o'clock से पहले नहीं जाती, आप अलाउ नहीं हो। आज आप 5:30 पे चली गई है? नहीं अभी नहीं जाना आपने। ओके बाहर उसके बाद कुरान के बाद जी। देखिए मम्मा टुमारो मेरी ट्रिप है। सर टुमारो नहीं आपका ट्रिप ठीक है? टुमारो कैंसिल हो गया ना आपका? वो आपका थर्सडे को है ना आप बता रही हो? नहीं टीचर से कंफर्म कर लूंगी। थर्सडे में पिकनिक है। हाँ तो वही पिकनिक ट्रिप वही है आपका। ओके टुमारो ट्रिप है। ये बन रही है मेरी माश की दाल। ये देखिए गाइस मैं वीडियो बना रही हूं। साकिब इंजॉय कर रहे हैं अपना बनाना। आप डांस क्या कर रहे थे? कैमरा देख के रुक गए हो हैं? कैमरा देख के आप रुक गए हो? मैं भूख लगी मुझे बनाना था, मैं बनाना खा। तो इतना कुछ पड़ा हुआ आप क्यों नहीं खा रहे हो? काबरी पुलाव है, चपली कबाब है, एक ही दफा खाने का टाइम हो गया। सालन भी बन गया, मैंने माश की दाल बनाई है। अब एक ही दफा खाऊंगा, डिनर का टाइम हो गया, बच्चों के साथ ही खाएंगे। अच्छा आपने मुझे वो चेयर्स भी खोल के नहीं दिखाई जो लेकर आयो? अभी उजैफा आता है तो फिर खोलते हैं। आप मुझे चेक तो कराओ कैसी चेयर्स है, क्योंकि उजैफा कह रहा था पापा मेरे साथ ओपन करनी। अच्छा चलो तो जी। तो गाइस आज साकिब की तबीयत थोड़ी सी अच्छी फील नहीं कर रहे हैं साकिब, और साकिब ये लेटे हुए इधर, क्या हुआ? अच्छा फील नहीं कर रहे हो आप? सुबह से नहीं कर रहा, टाइट हो रहे हो ऐसे जैसे ना बॉडी में जान नहीं है। अच्छा कल लगता है कि साकिब थकावट हो गई है साकिब को, है ना? ऐसा ही फील हो रहा है। देखे मासूम बच्चों की तरह ना लेट गए, जैसे मासूम बच्चे नहीं होते छोटे छोटे। आप ऑफिस में भी बैठ ऑफिस में भी सारा दिन बैठ के मेडिसिन वगैरह ले लो, कोई पैरासिटामोल की, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत नहीं होगी। एक दिन ट्राई कर लो ना मेडिसिन, ऐसे नहीं बिना वजह। मैंने आपके राइस निकाले हैं, खा लो गरम। अभी खाता हूं ना, मे बी आंखें खुल जाए। सही है। जैसा ले रहे कुरान की क्लास। बेटा पढ़े मत रोबोटन स्टॉप मत रोबा। क्या कर रहे हो आप दोनों? पानी पीना है? गर्मी। पानी पीना है? सर रेस्ट लेना, रेस्ट करना है, करो फिर आप भी रेस्ट। ये फैन के आगे बैठो ताकि आपको गर्मी ना लगे। अब अच्छा फील कर रहे हो? पानी दूं आपको? पानी दूं? बेटा अगर आप पाकिस्तान चले गए तो फिर तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगी गर्मी। आपको पता है पाकिस्तान में कितनी गर्मी है? 350। आप रह सकते हो वहाँ पे पाकिस्तान में इतने हॉट वेदर में? आप तो यहाँ पे मुझे उठ उठ के कहते हो रात को गर्मी लग रही है गर्मी। यहाँ पे 27 टेम्परेचर था जिस दिन, उस दिन हुज़ैफ़ा ने पूरी रात इतना तंग किया है, स्पेशली इसकी तरफ फैन हमने चलाया हुआ था कि ये आराम से सो जाए, और इतना इसने तंग किया, मुझे गर्मी लग रही है, मुझसे सोया नहीं जा रहा। अब आप कह रहे हो कि मैंने तंग नहीं किया? नहीं देखो मैं बस आराम से सो रहा था, मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं आपको तंग नहीं किया। कहा था ऐसे नहीं किया। किया था पापा को पूछो पापा से। ये कह रहा है कि मैंने उस दिन तंग ही नहीं किया रात को, जिस दिन ज्यादा गर्मी थी। किया था ना इसे तंग रात को? कितना तंग कर रहा था? मूव हो रहा था कभी इधर कभी उधर। और इसको मैंने कहा है कि थ्रो नहीं लो, फैन चल रहा है, लेकिन थ्रो भी लेना है फैन भी चलाना है, तो फिर गर्मी तो लगेगी ना। लगेगी ना। आपने रात को खाना नहीं खाना? खाऊंगा, लेकिन अभी आसरा कर रहे हो? थोड़ा सा खा रहा हूँ तो उसके बाद फिर
थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे अभी बाहर प्ले कर रहे हैं, उनका तो आने का 7:30 हो गए, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। लेकिन पहले उनसे पूछ लो क्या कि वो कब आएंगे, फिर बनाना, नहीं तो वो ठंडी रोटी नहीं खाएंगे। अच्छा, आपने रोटी खानी है कि काबली पुलाव? काबली पुलाव तुम खा लो ना। नहीं, मैं नहीं खाती हूँ काबली पुलाव, आपको पता है। उज़ैफ़ा ना, उज़ैफ़ा ने भी नहीं खाना, कोई नहीं खाएगा सिवाय आपके। उज़ैफ़ा आपने राइस खाने हैं मेरा बेटा, कुछ और खाएगा। काबली पुलाव खाओगे? काबली पुलाव जो कल हमने वहाँ से लिए थे, लैम के जी, अलाम जी, वो लैम राइस खाने जो कल उधर थे। नहीं, मैंने बस लैम खाया। हाँ, बस वो लैम खाएगा। ये जरा ओपन करके चेक करो आप कि आप चेयर लेकर आए हो, कोई डैमेज वगैरह तो नहीं? मैं जब से लेकर आया हूँ हमने रख दी है, पता होना चाहिए, और देखी भी नहीं कि डैमेज तो नहीं है। डैमेज मैंने कार्ड भी नहीं उतारा, मैंने उसको क्या क्या किया था, मैंने कहा अगर कहीं से डैमेज हुई तो मैं ये रिटर्न करूंगा। नहीं, ये तो फौरन चेक करनी चाहिए, पता है आपको, लेकिन मैंने लेट कर दिया ना। वैसे तो नॉर्मली ये क्या कहते हैं, कलर भी नाइस सही निकलती, ग्रे कलर, ये काफी कलर में थी, ऑरेंज थी, लेकिन ऑरेंज थी आंखों में पड़ता है, ग्रीन थी, नहीं ये ग्रे कलर नाइस, एक और कलर था बट मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके, ओ वेरी इजी, ये इजी है, आप चलो बैठ के भी दिखाओ, और ये काफी वाइड है, लेकिन मोटा आदमी भी बैठ जाएगा, मोटा इंसान भी आराम से बैठ जाएगा, लेकिन मैं जरा देख लूं, हर चीज चेक करो कहीं से डैमेज। अच्छा, ये जरा थोड़ी सी अच्छी बनी हुई है, नॉर्मली क्या होता है मुझे, हाँ अच्छा, कप रखने के लिए वो भी बनाया, कप रखने के लिए बनाया हुआ है, और ये बीच के लिए अच्छी है ना, बीच हो गया, पार्क हो गया, वाह, सोफे की तरह, और यहाँ आप कप रख सकते हो। चलो, नीचे गार्डन में बैठने के लिए भी अच्छी है, नीचे गार्डन में बैठ सकते हो, अगर आप बच्चों को पार्क में लेके गए हो वहाँ पे बैठ सकते हो, क्योंकि कपड़ा भी लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन ये है कि उसमें फिर आप खाने की भी चीजें ही रख लेते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत हैंडी है। नाइस बनी हुई है ना। अच्छा, मैंने जो बहुत अच्छा है एक्सपेक्ट कर रहा था ना, मैं कहा ऑर्डिनरी सी होगी, क्योंकि नॉर्मली मैंने स्ट्रांग लग रही है, ये स्ट्रांग है, मैंने दूसरी देखी है, जो मैंने देखी हुई है, देखी हुई है ना, मेरे माइंड में वो था, नहीं नहीं ये बहुत अच्छी है, और ऑफर लगी हुई थी, नहीं ठीक है, अब इसको इसको करना पड़ेगा, लेना ऐसे हो जाएगा, इजी है, इजी ऐसे किया, परफेक्ट, और बैग में डाली और चले, उठाओ ले गए, और सबसे बड़ी बात लाइट वेट है, कि लाइट वेट है, और आप इसको ऐसे कैरी करो, इजी है ना, कोई मसला नहीं, इजी टू कैरी, उज़ैफ़ा हैप्पी होगा। बच्चे अपना डिनर खाने लगे हैं, और उज़ैफ़ा का फेवरेट चपली कबाब और लैम काबली पुलाव से निकाल के, मेरा लैम सबसे फेवरेट है। अच्छा, ओके, इससे मुझे लैम अच्छा लगा। हानिया को पसंद नहीं है, हानिया कहती मैंने दाल खानी है, इवन हानिया इसका... को देखो जरा, हानिया हानिया दाल खा रही है, हानिया के इसका चिकन भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो ये खा रही है, मैं मैं ट्राई कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ज़ैफ़ा, आपको योगर्ट चाहिए साथ? सॉस भी है, सॉस भी है, पनीर योगर्ट चाहिए, रायता दो, पनीर रायता दो, योगर्ट मैंने केचप लेनी है, केचप लेनी है, इसके तो केचप नहीं अच्छी लगेगी, चलो केचप दे दो, इसमें चिली है, ओके चलो मैं केचप दे दूं, इधर खा सकते हैं लैम के साथ, खा सकते हैं, हॉट है मेरा बेटा, क्या हुआ है, इतनी बड़ी को गोदी में उठाया हुआ है, देखो मैं थक गया हूँ। ये क्यों रो रही है? एक तो ज़ैफ़ा की इसने चीजें फेंकी हैं, बिन में खराब किया, अच्छा? इसका कार्ड नहीं खराब किया ज़ैफ़ा का, अनु देखो आपको पता है वो भाईजान भी नाराज है, भाईजान का फेस वो आपने उन्होंने कलर किया हुआ था फेस, आपने सारा भाईजान का फादर डे का कार्ड खराब कर दिया, उसने गुस्से में बिन में फेंक दिया, और अब आप खुद रोने लग गई हो। देखो मैं हैंड टाइड हो गई, अरे इतनी बड़ी, पापा की बैग में पेन होगी, नीचे उतरो, ये देखिए गाइस, जब हानिया रोती है ना तो इसका फेस ऐसा होता है। सो गाइस, अभी बस फारिग होके बैठी हूँ, बच्चों को लिटाया है, और आज मेरे गले में बहुत इचिंग हो रही है, कफ हो गई है दोबारा से मुझे स्टार्ट, और इसीलिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ हनी डालकर, और क्योंकि तुमने कल बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी ली थी,
ड्रिंक खाने पी कम थी लेकिन कोल्ड बहुत ज्यादा थी उनके पास, तो वो इसलिए फिर तुम्हारा गला खराब हो गया। और हानिया का तो अभी ठीक ही नहीं हो रहा, वो आइसक्रीम छोड़ेगी तो फिर होता है एवरी डे किसी ना किसी बहाने से आइसक्रीम खा लेती है तो, लेकिन इसलिए उसका जो गला जो है ना वो अभी तक प्रॉपर ठीक नहीं हो रहा क्योंकि उसके उससे ना सबर नहीं हो रहा। वो कहती है समर बहुत मुश्किल से आता है, तो आप हमेशा कहते हैं समर में आइसक्रीम खानी है, विंटर में आप कम कम देते हैं, तो अब समर में मैं ज्यादा आइसक्रीम खाऊंगी। और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ये स्वेटिंग आपको नजर पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, तो आज बहुत ज्यादा गर्मी भी है। डे टाइम अच्छा था लेकिन नाइट में सडनली डिनर के बाद ज्यादा गर्मी लगना शुरू हो गई है। और कुछ बच्चों ने इतना ज्यादा तंग किया है, आज बच्चों ने बहुत ज्यादा तंग किया। कभी कभी होता है कि बाहर प्ले करते हैं, आते हैं, तंग नहीं करते, डिनर करते हैं और अपना कार्टून्स वगैरह देखते हैं और सो जाते हैं। ओ, इस चक्कर में उन्होंने आज फाइट की है कि हानिया ने हुजैफा का कार्ड खराब कर दिया है, और खराब नहीं किया उसने, पर्पसली नहीं किया। हुजैफा ने फादर्स डे पे साकिब को कार्ड दिया था, हानिया ने उसके ऊपर कुछ राइटिंग लिखी थी साकिब के लिए, एक्स्ट्रा राइटिंग उसने लिख दी है। तो वो हुजैफा को अच्छी नहीं लगी कि क्यों इसने ऐड किया एक्स्ट्रा, तो उसने कार्ड ही फाड़ के फेंक दिया बिन में, तो नाराज हो गया था। तो वहां से फिर फाइटिंग इनकी शुरू हुई। तो हम जो सोते सोते तक चलती रही है, चलती रहती, सोते सोते भी वो एक दूसरे को टीज करते रहते हैं, तो लेकिन चलो यानी वे बच्चे हैं तो, लेकिन वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा इरिटेशन होता है कि वे क्यों फाइट करते हैं। सो एनीवे गाइस, आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। न्यू व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़। तुमसे दिल ले जलाऊं।